वन आप सभी का स्वागत है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के इस प्लेटफॉर्म पर आज की ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें पता चलेगा आपको कि यहाँ पर एडवोकेट्स क्यों स्ट्राइक पर है क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाल ही में ही आपने सुना होगा कि वीरेंद्र नारवाल एडवोकेट की हत्या कर दी गई है द्वारका हाईकोर्ट में दो लोग आए और उनको गोली आ, मार दी तो यहाँ पर एडवोकेट्स की मांग है कि एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाया जाए जहां पर अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस बनाए जाए जो कि उनकी राइट्स को उनके वर्क को क्या कर सके प्रोटेक्ट कर सके और साथ ही साथ स्पीडी ट्रायल की भी यहाँ पर मांग है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस स्पीड ट्रायल से हो स्पीडी तरीके से हो कि जल्द से जल्द इस मामले का पूरा खुलासा हो तो आज आप सभी के समक्ष हमारे, पास, हमारे साथ आ, और सर के बारे में बता दू सर एल एल बी एल एल एम है और साथ ही साथ सर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और यहां पर सर मशहूर हैं सर फेमस है सर की एक्सपर्टीज है एनडीपीएस और पॉक्सो एक्ट्स के अंदर पॉक्सो केसेस के अंदर और आज सर के साथ हम जानेंगे सर के सभी व्यू पॉइंट सर एक एक हमारी लॉयर लॉयर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर और सर बताएंगे एक्चुअल में ये मुद्दा क्या है किस तरीके से क्या होना चाहिए तो आप सभी को यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को जानने को मौका मिलेगा क्योंकि आप सब में से ज्यादातर कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो एल कर रहे होंगे या कुछ ऐसे भी होंगे जो लॉ की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे यहाँ पर एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी को एक थियोरिटिकल एक्सपीरियंस तो पता ही है मिल जाता है लेकिन एक प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है उन सभी की सूचना उन सभी की इंफॉर्मेशन आज आप सबके साथ आपके समक्ष हम शेयर करेंगे तो सर जी आ, आज हम आपको एक पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं सर ये प्रोटेस्ट और ये स्ट्राइक चल क्यों रही है सर क्या है मुद्दा जी दरअसल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक इसकी डिमांड आज से नहीं चल रही है ये बहुत काफी काफी वर्षों से चल रही है और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि एडवोकेट का जो ड्यूटी है जो एडवोकेट का जो प्रोफेशन है जो एडवोकेट का जो दायित्व है वो बहुत ही क्रिटिकल है क्रिटिकल मींस एडवोकेट लड़ता है बड़े बड़े खुंकार अपराधियों के मुक़दमे लड़ता है बिल्कुल बहुत भी खुंकार तो नहीं कहेंगे बहुत ही चालबाज और बहुत ही शातिर लोगों के मुक़दमे लड़ता है तो वो उनको सजा भी दिलवाता है और उनकी पैरवी भी, भी कर दो नहीं डिफेंस लॉयर का भी काम करता है प्रोसिक्यूशन का भी करता है अब अगर उनको लगता है कि हम वकील की वजह से उनको सजा हो गई तो वकील को थोड़ा खतरा होता है वकील को धमकियां भी आती हैं दूसरी पार्टी चाहती है कि अगर कोई वकील उनके खिलाफ ज़्यादा तकड़ा बोल रहा है तो उसको ना बोलने दिया जाए उसको डराया जाए धमकाया जाए एक बात दूसरा वकील को एक खास तरह से काम करना पड़ता है ख़ास परिस्थितियों में काम करना पड़ता है तो इसलिए उसको प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसी कोई प्रोडक्शन आज की डेट तक नहीं है इसकी डिमांड हमारे से पहले 20 साल 25 साल से इसकी डिमांड चली आ रही है कि एक एडवोटे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए उससे एडवोकेट्स में एक आ, सेफ्टी की फीलिंग आएगी कि वो सेफ़ हैं तो ही अभी ये जो आपने जिक्र किया कि एक एडवोकेट्स की हत्या कर दी गई वो द्वारका कोर्ट में इन्व थे और उनकी हत्या रास्ते में एक रेड लाइट पर जो है कुछ बदमाशों ने सरेआम दिन में चार बजे गोली मार कर हत्या कर दी तो उससे भी लगा कि हम कहाँ खड़े हैं अगर मैं क्रिमिनल लॉयर होने के नाते मैं नारकोटिक्स के जैसे केस करता हूँ या मैं मर्डर के केसेस करता हूँ तो उन केसेस में जो दूसरी पार्टी है नेचुरली मुझे दुश्मन मानती है और मेरे पास सुरक्षा के लिए क्या है मैं कोई जेड प्लस सिक्योरिटी में तो चलता नहीं हूँ मैं से मतलब जो भी मेरे जैसे लॉयर हैं और उसके लिए मुझे कुछ प्रिवलेज तो चाहिए मुझे एक प्रोटेक्शन चाहिए यही प्रोटेक्शन लेने के लिए वकील एकजुट हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम एब्सटेंट फ्रॉम वर्क हैं स्ट्राइक पर नहीं हैं हम लेकिन एब्सटेंट फ्रॉम वर्क पिछले काफ़ी दिन से हम चल रहे हैं चार पाँच दिन हो गए हैं और ये नौ कल तक है कल के आज मीटिंग होगी उसके बाद पता लगेगा कि क्या डिसाइड करती है हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी और बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली इसमें बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली के स्पेशली मैं कहूँगा जो चेयरमैन है अभी श्री एडवोकेट सीनियर हैं हमारे सीनियर एडवोकेट के के मनन जी वो बहुत इसमें पर्सनल तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा पेन लेके काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए ये एक्ट जितनी जल्दी हो सके लाया जाए और इसके लिए कमेटी भी बना दी गई है छः आदमियों की वो कमेटी इसमें दिन रात काम कर रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्दी बिल जो है पास होगा आज भी सी के साथ सी दिल्ली के साथ मीटिंग है और उस मीटिंग में हो सकता है वो फ्रूटफुल रिजल्ट आएँ इसी तरह और भी अलग अलग लेवल्स पर मीटिंग चल रही है तो ये जो चीज़ें हैं ये प्र... किस कुछ सुरक्षा ऐसी हैं जैसे एडवोकेट को कोर्ट में पहुंचना है रास्ते में उसको कोई रोक लेता है वो हेयरिंग पर नहीं जा पाए तो क्या होगा हेयरिंग या तो एडजेंट हो जाएगी या दूसरी पार्टी उसका फायदा उठा जाएगी इसलिए ये टाइम टू टाइम स्पीड सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस ऐसी जारी की हैं कि, कि किसी भी किसी भी एडवोकेट को कोर्ट जाने के टाइम में रोका ना जाए किसी भी वजह से चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चाहे किसी भी द्वारा नहीं रोका जाए ऐसे ही एडवोकेट के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं है प्रावधान नहीं है इस चीज का सर अब सर जैसे मान लीजिए एक एडवोकेट जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपने सोल फीडर होते हैं अपने घर के और हमारे पास हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के पास कोई पेंशन इस तरीके का कोई सहारा नहीं नो नॉट एट ऑल वही तो सर, आगे फैमिली कैसे प्रोटेक्ट फील करे ऐसे तो सर घर में महिलाएं होती है बच्चे होते हैं उनको भी डर लगेगा भाई हमारे फादर आ, या हमारी मदर क्रिमिनल लॉयर है तो उनके साथ इस तरीके के हाथ से आम हो रहे हैं दिल्ली में से हो जाए या कोई बीमार हो जाए और वो कोर्ट में ना जा पाए तो कोर्ट नहीं जाएंगे तो फीस नहीं आएगी बिल्कुल सर। <laughs> फीस नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर कोई एडवोकेट बीमार हो जाता है तो उसको कोई घर खर्च के लिए कुछ मिले ऐसा कुछ प्रोविजन है ही नहीं इसकी भी एक डिमांड है हालांकि अभी पिछले दो साल से एक स्कीम आई है सीएम वेलफेयर स्कीम में उसमें डेथ के बाद दस लाख रुपए देने का प्रोविजन है और मेडिक्लेम फैसिलिटी है पाँच लाख रुपए तक की है तो सर ये है एग्जीक्यूट हो, हो, हो रहा है ये हो अच्छा, रहा ये है ये हो रहा है ये कोविड के टाइम से स्टार्ट हुआ और बहुत लोगों को इसका मतलब उनकी फैमिलीज को बेनिफिट मिला

जेंडर न्यूट्रल है यहाँ लेडी जजेस को भी सर कह के बुलाते हैं हाँ तो एडवोकेट इज एडवोकेट उसमें फीमेल और मेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बिल्कुल सर बिल्कुल सर और क्या मांग की जा रही है सर इस प्रोटेक्शन के लिए एक आपने बताया कि एक सुरक्षा के लिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए जी। जी। फिर ऐसे प्रावधान के लिए कि बाद में फैमिली को भी वकील के ऊपर कोई अटैक होता है तो कोई भी उसके साथ कुछ गड़बड़ होती है तो वो ऑफेंस होगा वकील के खिलाफ अगर कोई एफआईआर होती है जी। तो उसकी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी बाहर से और उसका पूरा जांच करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा या सेशन जज के द्वारा तभी उसके खिलाफ एफ हो सकेगी ऐसा इसमें प्रोविजन है और अगर उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी है भी तो वो डीसीपी लेवल का आदमी उसको इंक्वायरी करेगा ये नहीं कि उसको कोई हवलदार या कोई एस आई SI उसको सर्थी करे सर्थी क्योंकि बायस हो, हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं सर जी दूसरी पार्टी बड़ी ताकतवर होती है जो लोग करोड़ों के घपले करते हैं जो लोग मास स्केल पे मर्डर करते हैं कई कई मर्डर जिन्होंने किए हुए हैं उनके सोर्सेज हैं उनके पास दबंगई है बड़े बड़े डॉन जो हैं अभी आपने देखा यूपी के कुछ डॉन्स को अंदर किया गया और भी किए मूसेवाला के हत्याकांड हुआ उसमें किया गया तो इसमें जो एडवोकेट्स प्रोसिक्यूशन की तरफ से लड़ रहे हैं उनकी जान को खतरा रहता है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके साथ साथ सभी को सभी को अपोजिट पार्टी और अपोजिट जो गैंग है हम तो गैंग बोलते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल लाना बहुत जरूरी है बिल्कुल सर बहुत सही बात है हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी ऐसे एडवोकेट प्रोटेक्शन जी हाँ जी हाँ उन्होंने किया है उन्होंने क्योंकि वो फुल स्टेट है दिल्ली में हमारी फुल स्टेट नहीं है इसलिए हाँ। यहाँ थोड़ा ये विधानसभा से पास करके इसको एलजी को भेजेंगे एलजी साहब जो है सेंटर में भेजेंगे लेकिन विधानसभा राजस्थान की क्योंकि वो फुल स्टेट है वो उनको पावर है थी उन्होंने वो बिल पास कर दिया हालांकि उसमें भी कुछ कमियां रह गई हैं हो सकता है बाद में अमेंडमेंट हाँ, हो जाए, हो जाए सर, एक बार लॉ आ जाता है, फिर के, उससे आगे बढ़ता रहता है ठीक होता रहता है सर uh, एक सवाल और कि जैसे कि स्ट्राइक uh, यहाँ पर चल रही है स्ट्राइक नहीं कहूँगी प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रही है एक साइलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रही है तो सर क्या इस तरीके से लिटिगेंट्स uh, जो हैं जिनको बेल uh, चाहिए या जिनको किसी इमरजेंसी में स्टे के ऑर्डर्स चाहिए तो क्या उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा लिटिगेंट्स का मैं चाहिए? मैं बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है उससे किसी ना किसी को तो इफेक्ट होता है और हम समझ रहे हैं हमारा पेन है यह हमारे अंदर दर्द है कि हम लिटिगेंट्स भी हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम बहुत परेशान होने के बाद एब फम फ्रॉम वर्क किया है बिकॉज हमारी कोई सुन नहीं रहा है हमारी कोई बात को तोज्जो नहीं दे रहा है, है तो अपनी बात को तोज्जो देने का इससे पीसफुल मैनर और कोई नहीं हो सकता ये हमने किया हाँ बिल्कुल तो आपने ठीक कहा लिटिगेंट्स को परेशानी हो सकती है अल्टीमेटली वो वर्कलोड हमारे ऊपर ही आने वाला है तो क्या सर ऐसा भी कोई प्रोविजन है या इस तरीके की कोई चीज चल रही है रही है है कि ऑनलाइन वर्चुअल ई हियरिंग हो सर क्या ये नहीं वर्चुअल अभी नहीं हो रही अभी वर्चुअल नहीं हो रही है अभी सब कुछ पूरा कॉपरेट मिल रहा है कॉरपोरेशन सबका कॉपरेशन है और उस कॉपरेशन के चलते कोई वर्चुअल हेरिंग भी नहीं कर रहा है अभी कोई नहीं अभी हाली में जो, ने जो अलग मुद्दा है वो ये कहा गया कि बिकॉज ऑफ कोविड के मद्देनजर ये कोरोना जो है फिर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो एडवोकेट्स को छूट दी गई है कि वो अपना जो अगर चाहें तो वर्चुअल भी कर सकते हैं लेकिन अब वो आज की डेट में नहीं हो रहा है वो एब पर वर्चुअल और फिजिकल दोनों दोनों में हो रहा है तो ये सर काफी बड़ी कंफ्यूजन थी कि क्या वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से क्या काम चल रहा है तो वो भी नहीं चल रहा है सर एक क्वेश्चन में आपसे एक और पूछना चाहूंगी सर क्या दिल्ली के वकील इस वारदात के होने का इंतजार कर रहे थे कि आज ही सब एकत्रित हुए इस तरीके से प्रोटेस्ट किया क्या पहले भी इस तरीके के वारदात हो चुके हैं उठाई है भेजा गया था हाँ, वो लटका पड़ा है उसी को और उसमें सुधार करते हुए दोबारा जा रहा है हाँ इस डेथ के बाद एकदम से लोगों में एक आक्रोश हुआ और पूरी लीगल फेटरिटी सत्य में आ गई कि ये क्या हुआ और फिर देखा कि हमारे पास रेमेडीज क्या है तो ध्यान आया कि हमारा प्रोटेक्शन बिल जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पेंडिंग पड़ा है तब है। इसके लिए थोड़ा सा स्पीडी उसमें काम हुआ है तो क्या सर ये जो हमारी दिल्ली बार एसोसिएशन है या फिर ओवरऑल जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसका क्या स्टैंड है सर इस पूरे इसमें बहुत मैं कहूंगा ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी जितनी बार एसोसिएशन है चाहे वो साकेत की हो चाहे वो द्वारका बार एसोसिएशन हो चाहे वो रोहिणी बार एसोसिएशन हो या दिल्ली बार एसोसिएशन हो इवन हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली आएं। तो, आ, सर, ये हम आप, आ, आपने बहुत ही ब्रीफ में सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दी और अब जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी अगर आपके भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं या किसी भी चीज से रिलेटेड कि या आप ने कोई सुझाव देना चाहते हैं सुझाव और सवाल दोनों ही आपको यहाँ पर करने हैं कमेंट सेक्शन आपके पास होता है तो वहां पर आप हमें अधिवक्ता, जो भी आपका है, कभी नहीं चाहता कि लिटिगेंट्स को परेशानी सर। क्योंकि लिटिगेंट्स से ही उसकी रोजी रोटी चलती है और उसका पहला काम है अपने देना उनका वेलफेयर देखना लेकिन इस दौरान क्योंकि वकील खुद परेशानी में है खुद उसकी जान आन पे बनी हुई है इसलिए ये दिक्कत आ रही है हम चाहेंगे कि जितने भी लिटिगेंट्स हैं वो हमसे थोड़ा सा कॉपरेट करें और ये बहुत जल्दी रिजोल्यूशन इसका हो जाएगा और हम नॉर्मल इसी में आ जाएंगे सारी सर जो कमेटीज़ हैं बहुत ही स्पीडली को एक विद, फैसला विद, लेने के लिए तैयार है यस बिल्कुल

अच्छा और सर क्या एक ऐसा कोई पोर्टल भी बनाया गया है कि जिसमें आम जनता भी अपने सुझाव दे सके या आ, कोई भी रैंडम जो वकील है वो अपने सुझाव दे सके कोई जी अच्छा, अच्छा हाँ जी, जी हाँ वो मेल सबको मेल उसका मुहैया करा दी गई है अच्छा उस मेल पे या पर्सनल फोन पे किसी को भी आप अपने अच्छा। दे सकते हैं एवरी एडवोकेट एवरी एडवोकेट यहाँ सर ऐसा भी कर सकते हैं है सुझाव प्रकट करना चाहे तो वो जो भी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन तक वो सुझाव पहुँचा दे वो तो भी दे सकता है और जो कमेटी के मेंबर्स है उन सबके नंबर दे दिए गए उनको डायरेक्ट फोन कर सकते दे आर लर्निंग ऐसा नहीं है कि वो उनको अवॉइड कर रहे हैं बिल्कुल यानी कि सुनवाई हो रही है एक आम जो अभी 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 स्टूडेंट आया है जिसने जिसनेट कराया है वो भी अपने कुछ सुझाव देना चाहता है तो उनकी भी सुनवाई है बिल्कुल तो बिल्कुल, ये तो सर बहुत ही अच्छी चीज रही और सर हम आशा करते हैं जल्द से जल्द ये जो प्रोटेक्शन बिल है ये आए और हम सभी की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है और बस अब हमें जल्द से जल्द एक सही और अच्छे फैसले का इंतजार है बिल्कुल अच्छा होगा और बहुत ही पॉजिटिव होगा जो भी बिल्कुल सर बिल्कुल सर तो आप सभी क्या करेंगे अगर आपको ये सेशन अभी हम सर अंत करते हैं सेशन का आपसे दोबारा मुलाकात होगी सर और मुद्दों पर और हम चर्चा करेंगे और भी मुद्दों पर।, पर तो आज के सेशन को हम यहीं पर अंत करते हैं और आप सबका काम क्या है कि आपके कोई भी सुझाव जैसा कि मैंने बोला या सजेशन या किसी भी चीज

तो ये आपकी ये सब चीजें सीखना आपकी पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए आपकी जर्नी के अंदर होना चाहिए है ना तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और जय हिंद